नमस्कार, राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनिया रंधान, यूथ वीरांगना सोसाइटी मेंबर, एक बार फिर से आप सभी से मिलने का मुझे मौका मिला है। वर्ल्ड एड्स डे, जी हाँ, वर्ल्ड एड्स डे 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे HIV भी कह देते हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं हो पाया है। तो ऐसी ही बीमारियों में से एक बीमारी है जिसे हम एड्स बोलते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में जिन टेक्नोलॉजी है दावा करती है कि एड्स का पूरी तरीके से रोकथाम कर दिया गया है, यानी कि जिन थेरेपी है उसके द्वारा ही इसका रोकथाम किया जा सकता है, लेकिन हमें देखने में ये आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में कोई उपाय, ऐसे में कोई सोल्यूशन है क्या एड्स को रोकने का? जी हाँ, एड्स को रोकने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। तो जब तक हम एक दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे, एड्स की रोकथाम नहीं हो पाएगी। यहीं पर 1 दिसंबर 2020 को अलग अलग जगह यूथ वीरांगनाओं ने सेमिनार कैंपिंग लगा के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराया है, जागरूक कराया है। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। एड्स एक HIV वायरस है जिसके नाल इंसान की इम्यूनिटी पावर इन्नी ज़्यादा घट जाती है कि उस इंसान दे विच थकावट, उस इंसान का वेट घटना, उस इंसान नू हर वक्त फीवर रहना, अजिहियां प्रॉब्लम्स रहिंदियां हन। और ऐसे सिमटम्स जो किसी एक इंसान दे विच इकट्ठे मिलते हैं तो ऐसे सिमटम्स नू असी सिंड्रोम कहते हैं और इसनू एड्स का नाम दिता जाता है। एड्स जो बीमारी है ये किस तरीके नाल फैलती है? एड्स ब्लड टू ब्लड रिलेशंस दे विच फैलता है। जिवें कोई एक इंसान अपने एक पार्टनर तो बिना होर कई ज़्यादा पार्टनर्स दे नाल फिजिकल रिलेशन बनावे तो एड्स फैलता है। अगर कोई ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन होंदी है, जिवें कोई हेल्थ केयर वर्कर ब्लड चढ़ाउंदा है किसी भी इंसान नू, तो अगर वो इनफेक्टेड ब्लड चढ़ा दिता जाए तो भी एड्स फैलन का डर रहता है। उसी तरह जिमें कोई सरिंज लगाता है, हेल्थ केयर वर्कर अगर कोई सरिंज चेंज ना करे, इनफेक्टेड परसन वाली सरिंज ही किसी हेल्दी परसन को लगा दे तो भी एड्स फैलन का डर जड़ा है वो रहता है। Which is transmitted through person to person. It can be transmitted in 3 modes: transmission through sexual contact, transmission through blood or blood products like unsterilized syringes in hospitals. It can also be transmitted by mother to her baby during pregnancy, delivery, or by feeding milk by breathing. It can't be transmitted through coughing or sneezing. Most of the time, people have rumors about AIDS, like they have किसी ने स्नीज कर दिया कि हाँ भाई इसको एड्स है, हमें भी एड्स हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड वाटर। HIV इज वायरस दैट अटैक्स द ह्यूमन इम्यून। इट वीकेंस द एबिलिटी अगेंस्ट द डिजीज एंड इन्फेक्शन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी बरतना हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जब बच्चों की मैरिज करते हैं तो और कुछ पहले होता था कि हाँ कुंडलियां मिलानी है, ये करना है, वो करना है, उसकी बजाय आप ब्लड टेस्ट करवाएं लड़का लड़की का, ताकि आपको जिंदगी में आगे ऐसी कोई परेशानी ना हो। छुआछूत की बीमारी नहीं है HIV एड्स, लेकिन ऐसा महसूस उस पेशेंट को करा दिया जाता है, वो भी सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से। लेकिन हमारी यूथ वीरांगना प्रगतिशील है लोगों को जागरूक करने में। वहीं पर ही एक काउंसलर, एक
एड्स एक्सपर्ट को बुलाया गया जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके साथ साझा की कि किस तरीके से अगर किसी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, एड्स है, तो किस तरीके से किट के द्वारा वो उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो किस तरीके से उसके होने वाले बच्चे को उस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो एड्स एक एपिडेमिक है जो एक सोशल फोबिया भी है साथ में। एड्स चार कारणों से मेनली फैलती है। सबसे पहला है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस जो लोग बनाते हैं उनको होती है। सेकंडली अनप्रोटेक्टेड अगर सेफ सेक्स होते हैं और वो बिना सेफ्टी के होते हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एड्स होता है, मेन कारण यही समझने वाला है। सेकंड है कि इंजेक्टेड जो ड्रग यूज़र होते हैं तो वो ग्रुप्स में नशा करते हैं, उनको भी HIV एड्स काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना होती है। थर्ड होता है अगर कोई HIV पॉजिटिव गर्भवती है तो उससे उसके होने वाले बच्चे को भी HIV उसके अंदर ट्रांसफर होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। और सबसे एक अलग से कारण ये भी होता है कि जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं या इस तरह के जो लोग हैं, ड्राइवर्स हो गए, ट्रक वाले हो गए, ठीक है, इनमें भी HIV होने के चांसेस होते हैं। तो इनको क्या, सिर्फ इसमें सेफ्टी ही एकमात्र बचाव है, जानकारी ही बचाव है। अगर इन चारों कारणों से बचने की सारी जानकारी है इंसान के पास और उसको पता है कि मैं अपने आप को प्रिकॉशंस यूज़ करके किस तरह से सेफ रख सकता हूँ, तो काफ़ी हद तक HIV को हम वहाँ पर रोकथाम कर सकते हैं। क्या इसकी कोई दवाई वगैरह भी है या बस जानकारी ही इसका इलाज है? जानकारी इसका इलाज है। सबसे मेन कारण तो यही है कि अगर जानकारी होगी तभी हम इससे बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई HIV पॉजिटिव हो भी चुका है तो उसको आगे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संयम बरतने की उसको आवश्यकता है। साथ में हम लोगों को कोऑपरेट करने की जरूरत है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, समाज से अलग थलग नहीं करना। उसके अलावा ART ट्रीटमेंट है जिससे कि वो अपने जीवन को आगे लंबा जी सकता है। ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू HIV पॉजिटिव इंसान अपने जीवन समय को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है और अपनी जीवन शैली अगर वो सुचारू रूप से जिए तो अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और अगर कोई गर्भवती HIV पॉजिटिव है तो गर्भ में ही जिस वक्त उसके शिशु होता है उस दौरान उसकी ART ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है और उसके बच्चे को भी हम HIV नेगेटिव लगा कर सकते हैं। जो एड्स पे है वो एक किस्म की कोरोना की तरह ही है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है पर्टिकुलर, बट बचाव है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो घटना घटी, मतलब कि अगर हम इससे बचाव कर सकते हैं, जैसे हम किसी का यूज़ किया और ब्लेड यूज़ ना करें, नेल कटर यूज़ ना करें, और अगर हम इंजेक्शन वाली जो सुई होती है वो हम किसी और की यूज़ ना करें, हम इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो हम इसका बचाव कर सकते हैं। जब ये बीमारी स्टार्ट हुई तो इसका आंकड़ा 28% था, बट अब हम देखते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है दिन भर दिन। तो हम यहाँ पर लोगों को अवेयर करने आए हैं कि इस बीमारी से बचा जाए। चीफ गेस्ट MC मिस्टर मंजीत सिंह का स्वागत करती हूं ताकि वो भी अपने विचार रखें यहां। आज हमारे इस एरिया में 8 मरला के अंदर हमारी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम जो है पूरे विश्व के लिए ही अच्छा है, जागरूक करने के लिए है, क्योंकि जो अभी मैडम बोल रही थी कि ये कोई भी बीमार व्यक्ति है जिसको एड्स है उसको छूने से या उसके कपड़ों को हाथ लगाने से या कोई और है बात है तो उससे किसी दूसरे को बीमारी नहीं होती, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग उससे परहेज नहीं करेंगे। अगर किसी को पता भी चल जाएगा तो वो उसको परहेज करने की बजाय उसकी हेल्प करेंगे या उसको दवाई ट्रीटमेंट वो दिलवाएंगे, क्योंकि गलती के बाद गलती तो कर ली उसने, सज़ा उसको मिल रही है। जैसे आदमी किसी का मर्डर करता है तो सरकार उसको सज़ा देती है,
उम्र भर की कैद देती है या फांसी पे चढ़ाती है, उसने गलती करी है, जागरूक होते हुए गलती करी है, तो उसको सजा तो परमात्मा दे रहा है, वो परमात्मा की अदालत है जो उसको बीमारी हो गई है, लेकिन उसकी नासमझी जो है वो उसको भुगतनी पड़ रही है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से, जो हमारे ये वॉलंटियर हैं वीर वीरांगनाएं, तो इनको मैं बधाई देता हूँ, ये ऐसे जो इन्होंने इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है, तो ये बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। हाँ, जो कि साढ़े पिंड झनेड़ी विखे अज यूथ वीरांगना संस्था वालों एड्स जागरूकता कैंप लगाया गया है। सो असी संस्था का समूह नगर पंचायत समूह नगर निवासियों वालों धन्यवाद करते हैं जी, साढ़े पिंड कैंप जागरूकता कैंप लगाने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि HIV एड्स अवैध व असुरक्षित यौन संबंधों से ही फैलता है, बल्कि इसके अन्य भी कारण हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एक स्वस्थ चरित्र से ही व्यक्ति अपने आप को बहुत सी गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकता है। एक स्वस्थ चरित्र ही सुरक्षित व स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो आइए हम सब मिलकर ऐसी मानसिकता की एड्स छुआछूत की बीमारी है इसको निकाल फेंके और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर सोशल कॉजेस प्लीज जॉइन अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ वीरांगनाएं। यू कैन ऑल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज एंड फॉलो आवर इंस्टा हैंडल यूथ वीरांगनाएं। फॉर एनी क्वेरीज रीच आउट टू youthvirangnai2010@gmail.com or www.youthvirangnai.org. Thank you.